घुटने के दोनों साइड से मुट्ठियों से अंदर दबाते हैं और आगे की तरफ झुकते हैं। श्वास लेते हुए ऊपर उठ जाते हैं। दोबारा से करते हैं। इस तरह से 5 से 7 बार इसको डेली करना चाहिए। इसकी दूसरी मुद्रा बाएं हाथ की हथेली को नाभि पर रखते हैं, दाएं हाथ की हथेली को उसके ऊपर। श्वास पूरा बाहर निकाल कर जितने देर सांस रोक सकते हैं बाहर निकालने की स्थिति में आगे झुके रहते हैं, पेट को प्रेशर दिए रहते हैं और जब सांस लेना होता है तो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। इससे पाचन शक्ति तेज होती है, आंतों की बीमारियां नहीं होती और आंतें स्वस्थ रहने की वजह से सारा शरीर ही स्वस्थ रहता है। ये वज्रासन है। वज्रासन की मुद्रा में बैठकर इसको करते हैं। दोनों पैरों की एड़ियां दोनों साइड में और एड़ियों के ऊपर सीधे बैठ जाते हैं। इसमें मेरुदंड सीधी होनी चाहिए। आराम से मुद्रा में बैठ जाते हैं। वज्रासन ऐसा आसन है जिसको खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। यह एकमात्र ऐसा आसन है जो खाना खाने की बात किया जा सकता है। इससे भी पाचन शक्ति तेज होती है, पेट संबंधी बीमारियां नहीं होती और खास तौर से ये दोनों आसन जो हैं वो शुगर की बीमारी वालों को बहुत ही लाभदायक है। आज बस इतना ही। अगले अंक में कल आपको कौशल्य आसनों के बारे में जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद। हमारा चैनल मित्रों सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।